असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर सहित 5 जवान शहीद। पीएम मोदी ने कहा, बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मणिपुर में शनिवार को सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ है। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर समेत 5 जवान मारे गए हैं। वहीं असम राइफल के कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा शुक्ला और बेटे आशीष त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई है। घटना चूरा चाँदपुर जिले के सिंघट में हुई, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल के काफिले पर घात लगाकर IED अटैक कर दिया। असम राइफल के कमांडिंग अफसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रहने वाले थे। उनका जन्म 1980 में हुआ था। उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ाई की थी। वहीं असम राइफल में लेफ्टिनेंट कमांडेंट रहे त्रिपाठी को डिफेंस स्टडी में MSc करने के बाद प्रमोशन मिला था। मणिपुर में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवारों के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवारों के साथ हैं। वहीं न्यूज एजेंसी ANI ने सेना के अधिकारी के हवाले से बताया है कि आतंकवादियों ने पहले कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी के काफिले पर घात लगाकर हमला करने के लिए IED ब्लास्ट किया और इसके बाद वाहनों पर फायरिंग की। वे अपने फॉरवर्ड कंपनी बेस से अपने बटालियन मुख्यालय लौट रहे थे। उनके छोटे भाई का नाम अनिल त्रिपाठी है, वो सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। वहीं उनके दादा डॉक्टर किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले पर दुख जताते हुए इसे कायराना हरकत करार दिया है। साथ ही इस हमले का जवाब देने की बात भी कही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री NBN सिंह ने हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर मिली कि हमले में CO और उनका परिवार ही मारा गया है। राज्य की पुलिस और पैरा मिलिट्री उग्रवादियों से निपट रहे हैं। हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना पर शोक जताया है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।